हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत। मैं आपको बता दूं टीवीएस एंट्रॉक के आज प्राइस के बारे में और इसके कितने वेरिएंट है उसके बारे में बताने वाला हूं। इसके कलर और इसके डाउन पेमेंट के बारे में भी आज मैं आपको बताने वाला हूं। चाहे दोस्तों इसके सीट हो गए या तो फिर इसके जो बूट स्पेस हो गए या तो फिर इसके फ्यूल टैंक हो गए, कोई भी चीज़ हो दोस्तों, आज मैं आपको सब बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको पांच वेरिएंट में मिलते हैं जो कि अलग अलग प्राइस होते हैं। फर्स्ट वेरिएंट आपको 1,06,000, सेकंड वेरिएंट आपको 1,10,000, थर्ड वेरिएंट आपको 1,12,000, फोर्थ वेरिएंट आपको 1,14,000, फिफ्थ वेरिएंट आपको 1,23,000 में आपको अवेलेबल ऑन रोड प्राइस में मिल जाएंगे। बात करें दोस्तों इसके फीचर्स की, तो इसमें आपको 125 cc का इंजन देखने को मिल जाता है और इसका जो माइलेज है आपको 41 किलोमीटर देखने को मिल जाता है। 1 लीटर में आपको 41 किलोमीटर का ये माइलेज दे देगी। इसका डिस्क ब्रेक आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा और बात करें इसके हेडलाइट के, तो कुछ इस प्रकार से टी लाइट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जो इसका वेट है आपको 118 kg देखने को मिल जाता है। इसका जो इंडिकेटर है कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। नंबर प्लेट और इसका जो फुट स्पेस है कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएंगे। इसका जो सीट हाइट है आपको 770 mm सीट हाइट देखने को मिल जाता है। जो इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है आपको 5 लीटर का देखने को मिलेगा, 5 से 6 लीटर आपको देखने को मिलेगा। जो कंपनी क्लेम करती है 5.8 लीटर का इसमें आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। इसका जो मैक्सिमम पावर है आपको 9.25 bhp का देखने को मिल जाएगा। इसमें दोस्तों अलग अलग फीचर्स मिल जाते हैं और अलग अलग प्राइस मिल जाते हैं। मैंने आपको प्राइस के बारे में बता दिया। जो इसका टर्न इंडिकेटर है और डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है। जो इसमें कलर है दोस्तों, आपको कितने कलर देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा कलर इसमें आपको अवेलेबल देखने को मिल जाता है। इसमें आपको कोई कलर ऐसा नहीं है कि जो आपको नहीं मिलेगा, जैसा चाहेंगे वैसा आपको कलर मिलेगा। चलिए कलर भी आपको दिखा देते हैं, जो कि इसमें आपको एक इस कलर में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, एक आपको ग्रे देखने को मिल जाता है, एक ब्लू देखने को मिल जाता है, एक रेड देखने को मिल जाता है। ऐसे आपको 14 कलर अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। अगर इसमें से आपको कोई भी कलर पसंद आए आप ले सकते हैं और आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यह काफ़ी पुराना कलर है और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इससे डाउन पेमेंट देकर लेना चाहते हैं दोस्तों, कम से कम 33,000 रुपये या 30,000 रुपये डाउन पेमेंट कीजिए। अगर आप 33,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हैं तो लोन अमाउंट आपका बनेगा 67,000 का। अगर आप 36 मंथ का कराते हैं दोस्तों, तो जो इंटरेस्ट लगने वाला है 11.5% का आपका इंटरेस्ट लगेगा या 12% का आपका इंटरेस्ट लगेगा, जो टोटल अमाउंट बनकर आएगा दोस्तों 1,24,815 रुपये। जो पर मंथ का अगर आप इसे निकालेंगे ईएमआई, 2,533 रुपये पर मंथ आएगा दोस्तों। आपको 36 मंथ यानी दोस्तों 3 साल का जो किस्त बनेगा वो आपको पे करना होगा। अगर आप इसे कैश लेना चाहते हैं तो उसके बारे में भी जान लीजिए। अगर आप इसे कैश लेना चाहते हैं तो जो मैं आपको इसका प्राइस दिल्ली का बता दूँ, एक शोरूम प्राइस, तो इसमें आपको 84,000 रुपये देखने को मिल जाते हैं। RTO की बात करें तो आपको 7,500 रुपये और इंश्योरेंस की बात करें तो 6,600 रुपये और एक्सो सीरीज जो होते हैं दोस्तों, तो आपको 1,900 रुपये देखने को मिल जाते हैं जो एक्सो सीरीज होते हैं। और इसमें आपको PDI चार्ज की बात करें तो 900 रुपये, ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 1,01,421 रुपये आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाएंगे, जो कि मैं आपको फर्स्ट वेरिएंट का प्राइस बता रहा हूं दोस्तों। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अच्छा लगे तो लाइक, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।